हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीमोसिस के बारे में फीमोसिस जो है वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में टू मार्क्स या फाइव मार्क्स में पूछते हैं ठीक है तो इसमें हम फीमोसिस की डेफिनेशन देखेंगे डेफिनेशन क्या है फीमोसिस की उसका कॉज क्या है क्लिनिकल फीचर क्या है कॉम्प्लिकेशन देखेंगे और ट्रीटमेंट देखेंगे ठीक है कॉम्प्लिकेशन ट्रीटमेंट तो बहुत छोटी सी वीडियो है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन देखें फिमोसिस के डेफिनेशन क्या लिखेंगे इनएबिलिटी टू रीट्रैक द प्रिप्यूसियल स्किन इज डिस्क्राइब्ड एज फीमोसिस तो यहाँ पे क्या हो रहा है जो प्रिप्यूस की जो स्किन होती है उसको हम रीट्रैक नहीं कर पाते ठीक है रिट्रैक्ट नहीं कर पाते तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं फीमोसिस इनएबिलिटी टू रीट्रैक द प्रिप्यूशियल स्किन इस टर्मड एज फीमोसिस ठीक है ये डेफिनेशन हो गई अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं रिट्रैक्ट प्रिप्यूस की स्किन को तो कॉज क्या है तो कंजेनाइटल हो सकता है विच इज मोस्ट कॉमन कॉज ठीक है तो कंजेनाइटल हो सकता है या फिर क्रॉनिक बेले, बेलेनो पोस्थाइटिस की वजह से हो सकता है सेकेंडरी टू तो क्रॉनिक बेलेनो पोस्थाइटिस अब बेलेनाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ग्ला, ग्लान्स पीनस ठीक है और पोस्थाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ प्रिप्यूस इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लानस पीनस और इन्फ्लामेशन ऑफ प्रिप्यूस के बाद भी ये वाली दिक्कत देखने को मिल सकती है इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट दी प्रिप्यूशल स्किन चैंकर जो सेफिल्स में चैंकर बन जाता है हार्ड चैंकर है ना तो उसमें भी फीमोसिस देखने को मिल सकता है कार्सिनोमा ऑफ द पीनस कैन प्रजेंट एस रिसेंट फिमोसिस तो ये चार कॉज देख लिए कंजेनाइटल हो सकता है बेलनोपोस्थाइटिस की कंडीशन में देखने को मिल सकता है फिमोसिस हमें चैंकर में देखने को मिल सकता है कार्सिनोम ऑफ पीनस ठीक है अब क्लिनिकल फीचर क्या होगा मेन क्लिनिकल फीचर तो वही है इनएबिलिटी टू रीट्रैक द प्रिप्यूज का स्किन ठीक है इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट द प्रिप्यूज सेकेंड फीचर क्या देखने को मिलेगा इन चिल्ड्रेन बलूनिंग ऑफ द प्रिप्यूज कैन बी सीन ठीक है तो जो प्रिप्यूज है वहाँ पे बलूनिंग हो जाएगी तो बलूनिंग ऑफ द प्रिप्यूज कैन बी सीन विच इज डायग्नोस्टिक ऑफ फीमोसिस ठीक है तो ये सेकेंड uh, फीचर हो गया थर्ड क्या लिखा है बिकॉज ऑफ फीमोसिस यहाँ पे बेलनो पोस्थाइटिस के चांसेस ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं क्यों क्योंकि देर इज़ इन एबिलिटी टू क्लीन द ग्लैंस क्योंकि रिट्रैक्ट नहीं हो पा रही है वो स्किन तो वहाँ पे क्लीनिंग कैसे हो पाएगी तो इसलिए वहाँ पे बेलनो पोस्थाइटिस देखने को मिल सकता है मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लैंस पैनिस एंड इन्फ्लामेशन ऑफ दी प्रिप्यूज ये देखने को मिल सकता है क्लिनिकल फीचर में ठीक है तो क्लिनिकल फीचर मेन तो हम लिख देंगे इन एबिलिटी टू रिट्रैक्ट द प्रिप्यूज एंड बलूनिंग ऑफ द प्रिप्यूज एंड बेलेनोपोस्थाइटिस अब कॉम्प्लिकेशन क्या होगा इसका फिमोसिस अगर हो गया तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है कार्सिनोमा हो सकता है पीनस में और पैराफेमोसिस हो सकती है ठीक है ट्रीटमेंट क्या लिखेंगे सरकमसेशन इज द ट्रीटमेंट रिमूवल ऑफ द प्रिप्यूज ठीक है रिमूव द प्रिप्यूज तो इसमें इतना ही है सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे क्या होता है फीमोसिस इट इज इनएबिलिटी टू रिट्रैक द प्रिप्यूशल स्किन इनएबिलिटी टू रीट्रैक द प्रिप्यूशल स्किन इज डिस्क्राइब्ड एज फीमोसिस इसका कॉज क्या है तो कॉज हमें पता होना चाहिए कंजेनाइटल कॉज हो सकता है क्रॉनिक बेलनोपोस्थाइटिस चैंकर और कार्सिनोम ऑफ पीनस क्लिनिकल फीचर में इनेबिलिटी टू रिट्रैक्ट द प्रिप्यूज चिल्ड्रन के अंदर बलूनिंग ऑफ द प्रिप्यूज विच इज द मोस्ट डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ फीमोसिस वॉट बलूनिंग ऑफ द प्रिप्यूज बलून हो जाएगा वहाँ पर बलून जैसा कुछ है ना फूला फूला बिकॉज ऑफ द फीमोसिस आर मोर दे आर मोर नाउ प्रोन टू बेलनोपोस्थाइटिस अभी एक चीज़ लिखी थी बेलनोपोस्थाइटिस जो है मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ क्लैंस पीनस एंड इन्फ्लामेशन ऑफ प्रिप्यूज़ जो है वो डायबिटिक पेशेंट में देखने को ज़्यादातर मिलता है ठीक है तो ये क्लिनिकल फीचर हो गया हमारा कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है फीमोसिस का कार्सिनोमा ऑफ द पीनस एंड पैराफीमोसिस ट्रीटमेंट क्या करेंगे रिमूवल ऑफ द प्रिप्यूज सरकमसेशन रिमूवल ऑफ़ द प्रिप्यूज तो ये हो गया हमारा फीमोसिस के बारे में यो ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में टू या फाइव मार्क्स में पूछते हैं